नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या वाकई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे नीतीश? सियासी गलियारे से बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई केंद्र का रुख करने वाले हैं? नीतीश कुमार को देश का अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई महीने में खत्म हो रहा है, और इसी बीच नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर सियासी गलियारे में हलचल की खबर है। नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की रणनीति पर उनके पुराने साथी प्रशांत किशोर ने काम करना शुरू किया है। पिछले दिनों प्रशांत किशोर दिल्ली में नीतीश से मुलाकात कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान उनके सामने इस प्रस्ताव को रखा है कि वह राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पर सहमति दे। इसके समर्थन में दूसरे दलों के नेताओं से भी संपर्क साधा है। चर्चा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से इस मसले पर बातचीत की। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी इस मामले पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार खत्म। 23 फरवरी को 1213 अभ्यर्थियों को एक साथ जारी होगा नियुक्ति पत्र। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी विद्यालयों और बेरोजगार के बीच एक अच्छी खबर है। शिक्षक बनने का इंतजार खत्म हो गया है। एसटीईटी और टीईटी पास अभ्यर्थियों को 11 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। बिहार में 23 फरवरी को एक साथ कई शिक्षक मिलेंगे। इसमें पटना के 1213 अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक बनेंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय चयन और नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों का नाम एनआईसी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब अभ्यर्थी अपना नाम देखकर संबंधित प्रखंड मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे। किस प्रखंड के लिए कहां पर अभ्यर्थी को जाना है, इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत विद्यालय चयन की प्रक्रिया होगी। लालू यादव की सजा पर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का छलका दर्द। कहा बीमार है फिर भी 5 साल की सजा। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सीबीआई कोर्ट से फिर एक मामले में दी गई 5 साल कैद की सजा पर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी का दर्द छलका है। लालू की सजा पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए समस्तीपुर जेडीयू विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि लालू जी जिस अवस्था में हैं और इन दिनों काफी बीमार हालात में हैं, इसके बावजूद न्यायपालिका से उन्हें 5 साल की सजा दी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश न्यायपालिका का है, इसीलिए इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी। जानिए बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए क्या होंगे नियम। लंबे इंतजार के बाद नीतीश सरकार ने आखिरकार नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही बिल्डिंग बायलॉज बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ गया है। राज्य में अब बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। राज्य के शहरी इलाकों में इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिली है। नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया की बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाइयों के भवन के ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40% रखा गया है। बहुमंजिला भवनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर इससे उपविधि में प्रावधानित अन्य शर्तों के तहत ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। बड़ी होगी बिहार विधानसभा की सुरक्षा। 500 से ज्यादा लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 25 फरवरी से बजट सत्र। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। उससे पहले बीते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इधर बिहार विधानसभा की सुरक्षा को लेकर भी तैयारी चल रही है। इसके लिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। पूरे बिहार विधानसभा के अंदर बाहर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष
अध्यक्ष ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर प्रशासन की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। जल्दी पूरे बिहार विधानसभा में 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार विधानसभा के अंदर बाहर अब पूरी तरह से तीसरी आंख की नजर रहेगी। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्देश दिया और अधिकारियों ने बिहार विधानसभा का दौरा कर सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने वाले जगह को चिन्हित कर लिया है। बिहार विधानसभा में कहां कहां सीसीटीवी फुटेज लगेंगे, सारी जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। इस बार बिहार विधानसभा की सुरक्षा कड़ी होगी। बिहार में हाईकोर्ट ने थानेदारों को दी चेतावनी, साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर साइबर क्राइम के मामलों में थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने 23 जुलाई से 24 अगस्त 2021 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के अनिसाबाद शाखा से जुड़े मामले में एसपी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय को इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में केस दर्ज नहीं करने पर रूपसपुर थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकॉम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। बिहार में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा, क्लिनिक और दवा दुकान सील, संचालक के खिलाफ केस दर्ज। जहानाबाद में अवैध निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आज प्रशासन का डंडा चला। मंगलवार को जहानाबाद के एसडीओ मनोज कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ घोसी थाना क्षेत्र के बराम सराय इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम एवं दवा दुकान को सील कर दिया। एसडीओ ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल जहानाबाद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध नर्सिंग होम का कारोबार फल फूल रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी दुकान खोल रखी है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद आज एसडीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। वेदर रिपोर्ट, 3 दिन बाद चलेगी पुरवैया, बिहार के इन जिलों में बारिश के भी आसार। बिहार में अब ठंड का प्रकोप कम हो गया है। पछुआ हवा चलने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तपिश बढ़ रही है तो रात में ठंड में दुबकी रहती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन बाद 24 फरवरी से पूर्वी उत्तर और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हवा चलेगी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व हिस्से में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25 फरवरी को भी कई जिलों में गरज के साथ बूंदाबूंदी होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद फिर से मौसम साफ होगा। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी का रहा है। पूरे राज्य में औसतन न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो 27.8 डिग्री डेहरी में रहा है। राज्य भर में औसतन अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री रहा है। पारा चढ़ने से ठंड अब धीरे धीरे बहुत हद तक कम हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकतम तापमान भी मार्च के पहले हफ्ते में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर, इस विभाग में निकली है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, जहां बिहार में एक और बढ़िया अवसर सामने आया है। राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है। अगर आप इसके लिए इच्छुक और योग्य हो और किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने भी बम्पर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकली है। आपको बता दें कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगी जातिगत जनगणना, सीएम नीतीश ने कहा पूरी तैयारी हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर सीएम नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार हो रही देरी पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज जनता
दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में चुनावों के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं, निश्चित रूप से राज्य सरकार यह करना चाहती है, हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी, किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है, पहले कोरोना की वजह से यह रुका हुआ था, अभी यूपी चुनाव की वजह से रोका गया है, चुनाव के बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।